अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज ग्रैंड टेस्ट का सेकंड जो टेस्ट है उसकी और इसमें केमिस्ट्री का जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 69 अगर आप लोग देखें तो स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड है कि फॉर एग्जांपल टू इक्विवेलेंट ऑफ ईथेन आर अलाउड टू रिएक्ट विद द सेवन इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन यू विल गेट फोर इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और यहाँ पे सिक्स इक्विवेलेंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन ये, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ईथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लीज़ अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 मल्टीप्लाइड 44 ग्राम की प्रोडक्शन के लिए मुझे जो है 2 मल्टीप्लाइड, तो ये C2H6 इसका मोलर मास जो है अगर आप लोग देखिए 30 ग्राम है, 30 ग्राम जो है अगर आप लोग देखिए इसका मोलर मास है। अगर मैं इस मास को कम कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको हाफ़ कर लेता हूँ, तो ये फॉर एग्जांपल 60 ग्राम है, तो 60 ग्राम के लिए मुझे 4 मल्टीप्लाइड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये मुझे प्रोवाइड करके देगा। अगर मैं इसको 30 ग्राम कर लेता हूँ तो यहाँ पर जो है ये 2 मल्टीप्लाइड 44 ग्राम होगा, तो इट मीन्स 88 ग्राम की प्रोडक्शन के लिए कार्बन के लिए मुझे 30 ग्राम ऑफ जो है ईथेन चाहिए। तो इसमें अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 69 है इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 70 को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन इज गिवन बिलो के फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इट इज़ अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है HNO3 और प्लस जो है अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। क्वेश्चन ये, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HNO3 विल बी प्रोड्यूस्ड इफ द 400 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसको हम कंबाइन करते हैं टू रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ वाटर, वाटर को एक्सेस में रखते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो 3 मल्टीप्लाइड मोलर मास ऑफ द जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है अगर आप लोग देखिए 32 + 14 तो दैट इज इक्वल टू 46 ग्राम है, तो 3 मल्टीप्लाइड 46 ग्राम ये प्रोड्यूस करके हमें देता है 2 मोल ऑफ HNO3। तो ये अगर आप लोग देखिए इतने ग्राम्स हो तो यहाँ पे ये 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मोलर मास 46 है, तो 3 मल्टीप्लाइड 46 ग्राम ऑफ HNO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है 2 मोल। तो अगर ये 400 ग्राम पे चला जाए तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 5.7 मोल जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 70 की तरफ चले जाए तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए, व्हेन एन एटम इन मैग्नेटिक फील्ड इन द पॉसिबल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन फॉर एन ऑर्बिटल ऑफ अजमूथल क्वांटम नंबर जो है दैट इज इक्वल टू, वो कहते हैं अगर एक एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं और इसका अजमूथल क्वांटम नंबर जो है ये हो, तो व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो उसका +3 होगा, +2 होगा, +1 होगा, -0 होगा, 0 यहाँ पे होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3, तो देर आर टोटल जो है अगर आप लोग देखिए 7 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, सो द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है आप लोगों के पास यहाँ पे इसके 7 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग यहाँ पे 71 को देखें तो 71 में आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 72 को अगर आप लोग देखें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव, तो इफ एन इज इक्वल टू 3 हो, एल इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो और एम एल इज इक्वल टू 2 हो, तो अगर एम एल की वैल्यू गिवन हो तो ये एक ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 में आप लोगों के पास इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग जाए 73 की तरफ, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल प्रमोट द फास्टेस्ट रेट ऑफ द हैबर प्रोसेस, तो यहाँ पे अगर आप कैटलिस्ट को रखें और प्रेशर हाई रखें और टेम्परेचर को लो, क्योंकि द प्रोसेस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर को लो रखें, प्रेशर को हाई रखें और साथ में कैटलिस्ट रखें, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 73 में अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट बनना आता है। The least bond angle among the following. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमोनिया है तो ऑल ऑफ दीज हैव द सेम जो है, अगर आप लोग देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फिर उसके बाद PH3 है और यहाँ पे ऑर्सेनिक हाइड्राइड है और यहाँ पे SB हाइड्राइड है, तो जितना आप लोग फ्रंट टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं यहाँ पे द बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज होते हैं, बॉन्ड एंगल डिक्रीज की तरफ चले जाते हैं, सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज, बॉन्ड एंगल
डिक्रीज की तरफ चला जाता है, तो सबसे लीस्ट बाउंड एंगल जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें इसमें जो है एस बी हाइड्राइड्स के होते हैं। सो द लोएस्ट बाउंड एंगल्स फॉर द एस बी हाइड्राइड दैट इज डी ऑप्शन है। द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन बी सी सी, तो बी सी सी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज कम्पोज ऑफ टू एटम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज कम्पोज ऑफ फोर एटम, और सिंपल पी टाइप जो होता है, तो पी टाइप जिसको हम पी टाइप कहते हैं, तो पी टाइप जो है इट्स यूनिट सेल इज कम्पोज ऑफ वन एटम से ये बना होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 75 में आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। Which one of the following derivatives of ethane has the highest vapor pressure? तो जहाँ पे मोलर मास सबसे कम है वहाँ पे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कम, वहाँ पे आप लोगों के पास वेपर प्रेशर भी हाईएस्ट होगा। तो सबसे कम मोलर मास C2F6 का है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 76 में अगर आप चले जाए तो सी ऑप्शन आपके पास है। For a given substance, which one of the following phase transition would releases the most energy? ज़्यादा energy कौन सा? तो अगर मैं solid से liquid phase में जाता हूँ तो कम energy, अगर मैं solid to gas जाता हूँ तो energy absorb होती है, अगर मैं liquid to gas जाता हूँ तो energy absorb होती है, लेकिन अगर मैं gas to solid आता हूँ तो फिर यहाँ पे maximum energy release होगी। तो उन्होंने energy release की बात की है, तो यहाँ पे question number 77 में D option है। अगर आप gaseous state से solid state की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा amount of एनर्जी रिलीज होगी। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ 0.6 मोलर वॉल्यूम एंड 5 लीटर मोल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड? तो अगर आप लोग इसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको दिया गया है और यहां पे आप लोगों को बाकी पैरामीटर दिए गए हैं और आपको कहा जाता है कि यहां पे प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट करें कि प्रेशर की वैल्यू क्या हो, तो वी नो दैट PV by nRT is equal to Z के बराबर है। तो वी हैव टू फाइंड प्रेशर, तो P इज इक्वल टू ZnRT, और यहां पे अगर आप लोग देखिए ये V है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विद अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है, अगर आप देखिए 0. तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, 0.6 है, और प्लीज अगर आप देखिए मोलर वॉल्यूम जो है, अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे इन्होंने 5 जो है मोलर वॉल्यूम इसके लिए लिखा है, लीटर जो है अगर आप लोग देखिए यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेशन इसकी करवाई है। अच्छा, अगर आप लोग देखिए आर की वैल्यू 0.0821 है, आप लोगों को ये पढ़ा होगा, एन की कोई यहाँ पे 1 ही वैल्यू है, और तो यहाँ पे टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 प्लस 273 इट इज इक्वल टू 300 केल्विन टेम्परेचर है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये 2.9 एटीएम जो है प्रेशर आता है। तो जी आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया, एन इज इक्वल टू 1 के बराबर है, आर टी, आर की वैल्यू ये है, टी की वैल्यू ये है, और वॉल्यूम की वैल्यू ये है। जब आप इसका रेशियो निकालते हैं तो यू विल गेट यहाँ पे आप लोगों के पास 2.6 एटीएम जो है इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 78 के लिए आप लोगों का जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बनता है। सोडियम परऑक्साइड, अगर आप लोग देखिए जो है येलो कलर का होता है इन कलर, एंड पोटाशियम सुपरऑक्साइड इज यूज इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं, क्योंकि पोटाशियम सुपरऑक्साइड को जब आप वाटर में डालते हैं वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो ये आपके जो है अल्कली मेटल के चैप्टर से ही है। क्वेश्चन नंबर 79 में अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 80 अगर आप लोग देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रेंथ, तो जितना हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम ऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल पोटाशियम परऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल आरबी जो है अगर आप देखिए सुपर ऑक्साइड है, ये सीजियम सुपर ऑक्साइड है, तो जितना हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो सीजियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक दिन द पोटाशियम ऑक्साइड, अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, पोटाशियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक दिन द सीजियम ऑक्साइड, गलत है। लिथियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक दिन सोडियम ऑक्साइड, ये भी गलत है। सीजियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक दिन द पोटाशियम ऑक्साइड, ये स्टेटमेंट जो है अगर आप लोग देखिए सी है। तो क्वेश्चन नंबर 80 में अगर आप लोग चले जाए तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट वन है। बेरिलियम इज अ, बेरिलियम अगर आप लोग देखिए अपनी फैमिली में, बेरिलियम इज सबसे जो है अगर आप लोग देखिए हार्ड भी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, और इसका जो है अगर आप देखिए यहाँ पे बेरिलियम हैज हायर, बेरिलियम हैज, तो यहाँ पे अगर आप अपनी फैमिली में बेरिलियम इज हायर, ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हायर होता है, बेरिलियम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड देन द अदर मेंबर ऑफ इट्स फैमिली, और इट्स हार्डर भी होता है देन द अदर मेंबर ऑफ इट्स फैमिली। तो बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट भी अपनी फैमिली से ज़्यादा है और इसकी हार्डनेस भी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी अगर आप हम चले जाते हैं तो 81 में जो है सी ऑप्शन करेक्ट वन है। Identify the correct name for the following compound, है तो ये कम्प्लेक्स है टेट्राहाइड्रोक्सो जो है टेट्राहाइड्रोक्सो, अगर आप जिंक के टू आइन टेट्राहाइड्रोक्सो, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जिंक है टेट्राहाइड्रोक्सो, टेट्राहाइड्रोक्सो जिंक के आइन जो है
जिंकेट, क्योंकि यहाँ पे सॉरी माइनस टू है, तो यहाँ पे टेट्राहाइड्राक्सो जिंकेट, यहाँ पे ये टू आयन जो है अगर हम इसके लिए एक्सप्रेशन करवाते हैं तो जिंकेट टू, तो टेट्राहाइड्राक्सो जिंकेट टू, ये इसके लिए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 82 में अगर आप लोग देखें तो बी ऑप्शन आपका जो है आंसर बनता है। एस्टरीफिकेशन इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद, इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एल्डिहाइड्स, नहीं है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन में नहीं बनता है, एसिड हैलाइड के साथ एस्टर बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों के साथ, तो यहाँ पे बोथ बी एंड सी है। तो क्वेश्चन नंबर 83 में अगर आप लोग देखें डी ऑप्शन की तरफ जाए, तो जब भी हम अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीट करते हैं तो हमें एस्टर मिलते हैं, और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड के साथ जो अल्कोहल ट्रीट करते हैं दोनों केस में हमें एस्टर मिलते हैं। प्रोपेन टू वन ऑन रिडक्शन विद द सबस्ट्रेट फॉर्म जो है, कौन से सबस्ट्रेट के साथ जो है ये प्रोड्यूस करते हैं अल्केन प्रोपेन, तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएजेंट, क्लेमेंसन रिएजेंट जो है अगर आप लोग देखें तो जिंक अमलगम एंड एचसीएल, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट वन है। तो क्लेमेंसन रिएजेंट कन्वर्ट द कीटोन इनटू अल्केन, ये हाइड्रोकार्बन में इसको कन्वर्ट करते हैं, सो प्रोपानोन आर चेंज इनटू प्रोपेन बाय यूजिंग क्लेमेंसन रिएजेंट, क्लेमेंसन रिएजेंट अगर हम यूज करते हैं। सो द टाइप ऑफ हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो अगर एल्डिहाइड्स और कीटोन में अगर आप कार्बन ऑक्सीजन के, तो इट्स कार्बन इज sp2 और ऑक्सीजन इज आल्सो sp2, दोनों के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। क्वेश्चन नंबर 85 में अगर आप लोग देखें ए ऑप्शन आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ अगर आप लोग दे जाएं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एस्टरीफिकेशन, तो जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में द कार्बन नंबर सबसे लीस्ट होते हैं उसका स्टीरिक हैंड्रल सबसे कम होगा, तो डेफिनेटली वो मोर रिएक्टिव होगा, तो इसमें फार्मिक एसिड जो है द मोर जो है रिएक्टिव होगा, ए ऑप्शन है। तो कार्बन नंबर इन कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज देन द एस्टरीफिकेशन रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, स्लो रेट के साथ वो रिएक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 को अगर आप लोग देखें, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल एमाइन इन एसिडिक मीडिया, तो अगर हम क्या करते हैं एल्डिहाइड्स को हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ ट्रीट करवाते हैं, एल्डिहाइड और इसको हम हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो ये हमें प्रोवाइड करके देते हैं ऑक्साइम, ये हमें प्रोवाइड करके देते हैं ऑक्साइम, ऑक्साइम इज अ कंडेंस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ऑक्साइम की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 87 में अगर आप लोग देखें तो सी ऑप्शन ऑक्साइम है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे प्रोपेन टूल सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन्स की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो अगर आप लोग एसीटोन लेते हैं और एसीटोन की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, एसीटोन की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो इट चेंज इनटू, प्लीज अगर आप लोग देखें सेकेंडरी अल्कोहल में ये कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे प्रोपेन टू ओल बनता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन एसीटोन की जो है, तो क्वेश्चन नंबर 88 पे आप लोगों का डी ऑप्शन होता है। अच्छा अगर आप लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स रिगार्डिंग द गैल्वानिक सेल्स है, तो गैल्वानिक सेल में इट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे द इलेक्ट्रोलाइट्स टेकन इनटू टू बीकर्स एंड डिफरेंट, बिल्कुल ठीक है ये, और यहाँ पे द रिएक्शन टेक प्लेस नॉन स्पॉन्टीनियस, नहीं ये स्पॉन्टीनियस प्रोसेस होता है, एक में एक स्पॉन्टीनियस रिएक्शन होता है और स्पॉन्टीनियस प्रोसेस में जो है यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। So the C option, question number 89 में C option wrong statement है। The rate for the reaction is 3.0 into 10 to the power minus 5 है। The rate constant for the reaction is 3 into 10 to the power minus 5 है। अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट आपको दिया गया है और रेट ऑफ रिएक्शन is equal to K into यहाँ पे concentration of the reactant की concentration। क्वेश्चन ये है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन, अगर आपको रेट दिया गया है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन इज 2.4 एंड 10 टू द पावर माइनस 5 मोल पर लीटर है, के की जो वैल्यू है तो वो 3 एंड 10 टू द पावर माइनस 5 है, तो इफ द रेट इज जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 5 है और यहाँ पे ये 10 टू द पावर माइनस 5 ये भी है, देन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करें, तो ये अगर आप लोग देखें तो 3 एंड 10 टू द पावर माइनस 5 यहाँ पे क्रॉस करें, इन दोनों का रेशियो ये यहाँ पे कैंसिल हो, तो ये 0.8 जो है आप लोगों के पास यहाँ पे बनता है, तो अगर आप लोग देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो 0.8 क्वेश्चन नंबर 90 में आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट
करेक्ट बनता है. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन. नेचर ऑफ द रिएक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करवाते हैं टेम्परेचर चेंज करने से, सर्फेस एरिया चेंज, लेकिन रिएक्शन की जो मालिक्यूलरिटी है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करवाती है. तो क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखिए यहाँ पे 91 है, तो इसमें भी सी ऑप्शन करेक्ट वन है. क्वेश्चन नंबर अगर हम 92 की तरफ जाएं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 30 and 40 joule फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 30 and reverse रिएक्शन इज 40 kJ पर मोल रिस्पेक्टिवली इन द रिएक्शन इज. तो अगर आप लोग गौर से देखें यहाँ पे जो है ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 30 kJ है और रिवर्स में 40 है, तो जिस रिएक्शन में जो है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेसर देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन, तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 92 में आप लोगों का ए ऑप्शन बनता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल लीड टू द चेंज इन द रेट कांस्टेंट ऑफ एके. सो चेंज इन कंसंट्रेशन, नो चेंज. द चेंज इन प्रेशर, नो चेंज. चेंज इन टेम्परेचर, चेंज. सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल लीड टू द चेंज इन द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन. तो के की वैल्यू को ओनली जो है टेम्परेचर चेंज करता है, प्रेशर और कंसंट्रेशन ये चेंज नहीं करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 93 में आप लोगों का सी ऑप्शन बनता है. क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए यहाँ पे 94, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 × 10⁻³ पर सेकेंड. इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 1 mole/L हो, सो द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की जो है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल टू 10⁻³ जो है पर सेकेंड इसकी वैल्यू है. अच्छा, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो यहाँ पे अगर आप देखें इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की जो है वो 1 mole/L आप लोगों के पास की कंसंट्रेशन है, सो देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी. तो यहाँ पे प्लीज इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसिंग है, देन द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी. रेट क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ 10⁻³, तो 1 mole/L है ना, तो बस आपके पास ये रेट ऑफ रिएक्शन के भी बराबर होगा, तो यही रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा. तो स्टेटमेंट ये है कि स्टेटमेंट में थोड़ा सा ये पॉइंट मिसिंग है, द स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10⁻³ पर सेकेंड है. If the initial concentration of the reactant is 1 mole/L, then the rate of reaction, then the rate of the reaction will be equal to 10⁻³. वही है. तो question number 94 में आपका B option correct one बनता है. तो यहाँ पे rate of reaction इसके साथ add करें. Solubility product expression for the stannous hydroxide. Solubility product expression for the stannous hydroxide. तो अगर आप लोग देखें ये stannous hydroxide है. Now we have to write, अगर हम इसके लिए solubility Ksp की value लिखते हैं, it will be equal to stannous plus 2 और यहाँ पे और यहाँ पे ये 2 होगा. तो ये आप लोगों ने इसकी एक्सप्रेशन जो है इस फॉर्म में लिखनी है. तो इसमें अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 95 में आपका सी ऑप्शन बनता है. क्वेश्चन नंबर 96 में वी मिक्स टुगेदर फ्रॉम सेपरेट सोर्सेज द आयंस ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक साल्ट. द साल्ट will be precipitated. The salt will be precipitated if QSP value precipitated. If the QSP value of the salt is greater than Ksp हो, तो यहाँ पे precipitation होगा. यहाँ पे precipitation होगा जब ionic product value is greater than the equilibrium solubility product constant भी होगा, तो यहाँ पे precipitation. And ये उस वक्त तक ये precipitation होगा कि जिस time जो है ये QSP value is also equal to Ksp के बराबर हो जाए. जब ये दोनों बराबर नहीं होते, equilibrium establish नहीं होते, तो उस वक्त तक तो क्या होगा कि when we mix together from separate sources the ions of slightly soluble salt, the salt will precipitate if the QSP value is greater than, पहला पॉइंट क्या है, greater than, and will continue to precipitate until QSP value equal to Ksp के बराबर हो जाए. तो क्वेश्चन नंबर 96 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन होगा. If the rate constant for the forward reaction is 10⁻⁵ and the equilibrium constant is 10, then the rate constant for the reverse reaction, अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें, the rate constant for the forward reaction, तो फॉर एग्जाम्पल Kc is equal to Kf है divided by Kr है,
तो यहाँ पे अगर आप देखें इस पॉइंट को लिखा गया है इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ये के आर को फाइंड आउट करना है, तो के एफ डिवाइड बाई के सी, तो यहाँ पे जो है 10^5 जो है इसकी जो वैल्यू है, तो ये 10^5 है और यहाँ पे के सी की जो वैल्यू है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 10, तो इन दोनों का आप लोग रेशियो निकाले तो 10^4 इसका बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 में आपके लोगों का जो ऑप्शन बनता है वो बी बनता है। The type of enzyme that is used for the lowering viscosity of starch. तो स्टार्च की विस्कॉसिटी को लोअर करने के लिए हम मोस्टली एमाइलेज एंजाइम यूज़ करते हैं। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्टार्च विस्कॉसिटी वी ऑलवेज यूज एमाइलेज एंजाइम। तो क्वेश्चन नंबर 98 में आप लोगों का बी ऑप्शन बनता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप 99 को देखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना ज़्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 में आपका ए ऑप्शन बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और ये फिनॉक्साइड आयन इसका कंजुगेट बेस है, तो यहाँ पे इसके नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डिस्पर्स होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस रूल्स दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वेयर द नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल होते हैं वेयर द नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स ऑन द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। तो इसलिए अनस्टेबल कंजुगेट स्टेबल कंजुगेट बेस, तो इसलिए ये मोर आप लोगों के पास एसिडिक हो जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 100 में अगर आप लोग चले जाए तो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 101 में अमोनियम एसीटेट ऑन रिमूवल फॉर्म अमोनियम एसीटेट ऑन रिमूवल, अगर अमोनियम एसीटेट को जो है अगर हम क्या कहते हैं एसिड जो है यहाँ पे ऑन रिमूवल ऑफ वाटर, तो जब हम क्या करते हैं फॉर एग्जांपल ये अमोनियम एसीटेट है, जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करवाते हैं तो यहाँ पे वाटर की रिमूवल से हमारे पास एमाइड्स की फार्मेशन होती है। क्या बनता है यहाँ पे एमाइड्स बनते हैं, एमाइड्स की फार्मेशन होती है। तो रिमूवल ऑफ वाटर से जो है यहाँ पे एमाइड्स की फार्मेशन होती है। इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 में आपका जो है डी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 102 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिड्यूसेस कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू द अल्कोहलिक ग्रुप में, सॉरी CH2 कार्बन एटम में, तो ये कार्बोनाइल कार्बन एटम है और यहाँ पे अगर आप इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, सो इट चेंज द कार्बोनाइल कार्बन इनटू मिथाइलिन कार्बन एटम एंड इट चेंज इनटू अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर CH2 में कन्वर्ट कर लेता है। सो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, क्वेश्चन नंबर 102 में ए ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 103 में के सी एंड के पी हैव द सेम वैल्यू विन द के पी और के सी वैल्यू उस कंडीशन पे बराबर होती है जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल, रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल और प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल दोनों बराबर हो, इक्वल हो, तो मोल बराबर हो। तो क्वेश्चन नंबर 103 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 104 में द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, इंक्रीज एक्सपोनेंशियल विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज द एंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीज, गलत है। फ्रैक्शन ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, गलत है। द एवरेज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, गलत है। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज डिक्रीज होते हैं, तो इसी वजह से क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सपोनेंशियली जो है वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सॉलिड लिफ्थलीन वुड बी द मोस्ट सॉल्युबल इन, क्योंकि ये एक नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉलिड है, तो इट विल प्रेफर टू डिजॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन में, ये डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग जाएं 106 पे, द एंथाल्पी ऑफ फ्यूजन इज लीस्ट फॉर द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें सबसे कम होती है तो उसके एंथाल्पी ऑफ फ्यूजन भी सबसे कम होगा। तो लिथियम क्लोराइड आयनिक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कोवेलेंट है, कॉपर मेटालिक है, नेफ्थलीन में मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो यहाँ पे सबसे वीक फोर्स है। तो इसी वजह से 106 में अगर आप देखें सी ऑप्शन में, तो दे हैव द लीस्ट एंथाल्पी ऑफ फ्यूजन। कार्बोरेंडम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, कार्बोरेंडम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, ये कोवेलेंट सॉलिड की एग्जाम्पल्स है। अच्छा, अगर आप प्रोवाइडिंग हीट टू द फॉलोइंग रिएक्शन कॉजेस शिफ्ट राइट, काजेस शिफ्ट टू द राइट, राइट की तरफ इसको लेके जाता है, तो ये अगर आप लोग गौर से कि इट मीन्स कि प्रोवाइडिंग द हीट टू द फॉलोइंग, तो फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है और ये मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है और ये यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे रिएक्ट, ये फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट है
और यहाँ पे ये राइट है। तो अगर हम क्या करवाते हैं, स्टेटमेंट ये है, प्रोवाइडिंग द हीट टू द फॉलोइंग रिएक्शन कॉजेस शिफ्ट इट टू द राइट, ये राइट की तरफ इसको लेके जाता है, मतलब प्रोडक्ट के साइड पे इसको लेके जा रहा है। तो ये स्पॉन्टेनियस है या एडियाबेटिक है, या अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो ये रिएक्शन जो है अगर हम जनरलाइज फॉर्म में देखें तो खैर ओवरऑल जो है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कम्बिनेशन होते हैं तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 107 में सी ऑप्शन करेक्ट वन है। फॉर विच रिएक्शन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp आर सेम, Kp एंड Kc आर सेम, तो जिसमें द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट जो है दोनों बराबर हो। तो अगर आप लोग देख क्वेश्चन नंबर 109 में, तो HCl की फॉर्मेशन जो है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो HCl की फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए इसमें आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट बना रहा है। उजा आउट होगा ना मरदा और अच्छा को लो पर है जो दोनों शोर जोरत लो जेम चदा शोर कम जाने लगी हां जी। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 110, तो क्वेश्चन नंबर 110 में 109 में सी है, 110 में अगर आप लोग देखें फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी हैज अ यूनिट पर कंसंट्रेशन है, तो व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोलर प्रोडक्ट्स, तो फिर इनवर्स डेल्टा एन वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो डेल्टा एन वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब ये कि आपके पास जो है यहाँ पे इनवर्स कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 110 में जो है आपके पास क्या है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 111, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैव द सेम वैल्यूज बिकॉज द नेट केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स द कंबिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, दैट्स व्हाई द एंथैल्पी चेंज विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 111 में आप लोगों का यहाँ पे जो है डी ऑप्शन बनता है। Consider the following solubility data for the various chromate at 250 degree centigrade, sorry 25 degree centigrade, 250 है 25 है, तो Ksp जो है silver chromate का जो है 10^-12 9.0 and 10^-12 है, तो जिसका Ksp value ज़्यादा है उसकी solubility भी ज़्यादा है, बस ये statement आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो बैरियम, तो अगर आप लोग देखें सबसे ज़्यादा Ksp value बैरियम chromate की आ रही है तो सबसे ज़्यादा solubility भी इसकी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 112 में अगर आप लोग चले जाएँ तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट वन है, तो जिसका Ksp वैल्यू ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड फॉर द गैल्वेनिक सेल्स एंड साल्ट ब्रिज इज इमर्ज्ड इन बोथ हाफ सेल्स, द साल्ट ब्रिज विल गिव केटाइंस टू कैथोड, केटाइंस टू कैथोड, याद रखिए एनाइंस टू एनोड। तो साल्ट ब्रिज का जो केटाइंस होता है तो वो केथोडिक सॉल्यूशन में जाता है, केटाइंस केथोडिक सॉल्यूशन में, क्योंकि वहाँ पे केथोड पे केटाइंस की कंसंट्रेशन कम होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए साल्ट ब्रिज के केटाइन वहाँ पे जाते हैं, एनोड पे एनाइंस साल्ट ब्रिज से एड होते हैं। तो केथोडिक केटाइंस जो होते हैं, केटाइंस आर एडिड इट टू केथोड, तो यहाँ पे कॉपर हाफ सेल में ये एड हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 113 में ए ऑप्शन है। तो याद रखिए केटाइंस ऑफ द साल्ट ब्रिज आर ऑलवेज एडिड इट केथोड एंड एनाइन ऑफ द साल्ट ब्रिज आर ऑलवेज एडिड इट एनोड, जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस शुरू हो जाता है तो यहाँ पे ये प्रोसीजर होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कोवेलेंट इन नेचर, एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब जब फ्रॉम लेफ्ट राइट हम मूव करते हैं तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये MgCl2 है नॉट Cl3 है। एल्यूमिनियम क्लोराइड में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होता है तो आयनिक करैक्टर डिक्रीज होते हैं, कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 114 में अगर आप लोग देखें बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 115, सोडियम बेंजोएट एंड बेंजोइक एसिड आर मिक्स इन इक्विमोलर रेशियो टू फॉर्म बफर एफ पी के ए इज फॉर, व्हाट विल बी द पीएच, तो याद रखिए कि पीएच और इज इक्वल टू पी के ए एंड प्लस लॉग ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड कंसंट्रेशन। तो अगर आपके पास यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ये है कि सोडियम बेंजोएट पी के ए इज फोर है, तो यहाँ पे और ये लॉग वन, ये लॉग वन और यहाँ पे ये दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो तो लॉग वन जीरो के बराबर होता है, तो यहाँ पे पी एच पी फोर के बराबर हो जाएगा, तो पी के फोर है तो पी एच पी फोर के, तो फिर इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 115 में सी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए 116 में, तो हाइड्रेशन ऑफ द प्रोपाइन
अगर आप लोग प्रोपाइल लेते हैं और आप इसकी हाइड्रेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, हाइड्रेशन करवाते हैं द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया और मर्क्यूरी सल्फेट साल्ट लेते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोपानोन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्रोपानोन, कीटोन्स, एसीटोन की फॉर्मेशन होती है। तो ये अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 116 में एसीटोन्स की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 117, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड क्यूमीन, इसको हम क्यूमीन भी कहते हैं। और प्लीज अगर आप लोग देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूसेस लोवेस्ट अमाउंट ऑफ हीट ऑन कंबशन, दैट इज आइसोब्यूटाइलिन इज द मोस्ट स्टेबल है, इसलिए वो द लोवेस्ट हीट ऑफ कंबशन जनरेट। आइसोब्यूटाइलिन इज द मोस्ट स्टेबल अल्कीन है। द SN1 जो है अगर आप लोग देखें रिएक्शन बिकम डबल इफ द, तो SN1 मैकेनिज्म ओनली डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो इफ वी हैव टू डबल द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स आल्सो डबल। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 119 में बी ऑप्शन आपका करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर जो है यहां पे 120 एंड SN2 मैकेनिज्म 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, सो दैट 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आर ऑलवेज ऑब्जर्व इन SN2 मैकेनिज्म। और क्वेश्चन नंबर 121, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद द बेसिस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, फिनोल रिएक्ट करता है, HCl रिएक्ट करता है, लेकिन इथेनॉल डू नॉट रिएक्ट, तो इथेनॉल की बेसिटी लो होती है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिएक्ट विद द बेसिस, ये बेसिस के साथ। ग्रेन स्पिरिट इज आल्सो कॉल्ड इथाइल अल्कोहल, ग्रेन स्पिरिट इज आल्सो कॉल्ड इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल इज आल्सो नोन एज ग्रेन स्पिरिट। डियर स्टूडेंट्स, गुड लक, आप लोगों के लिए दुआ है कि आप कामयाब हो। इंशाल्लाह जो है एक दो दिन रहते हैं और यही दुआ होगी कि आप लोग कामयाब रहें।